चौरासी लाख योनियां काटकर यदि मनुष्य की देह मिली है, मानव का यदि शरीर मिला है, हल्का सा ढीले डालिए, मानव का यदि शरीर प्राप्त हुआ है और मान लो मानव का शरीर मिला, तो उसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान की भक्ति को धारण करें। साबुन का रेपर, साबुन पर जो कागज लिपटा होता है, वो कभी मेल साफ नहीं करता। करता है क्या? नहीं। साबुन में जो कलर डरता है, वो कलर मेल साफ करता है क्या? नहीं करता। साबुन में जो सुगंध होती है, वो मेल साफ करती है क्या? नहीं करती। साबुन का ना रेपर मेल साफ करेगा, ना उसकी सुगंध मेल साफ करेगी, और ना उसका कलर मेल साफ करेगा। अगर कुछ मान लो साफ कर भी रहा है, तो वो जो साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है, साबुन के अंदर जो कास्टिकता डाली जाती है, बस वही कास्टिक मेल को साफ करती है। उसी तरह यदि हम मनुष्य की देह धारण करें हैं, मानव का शरीर मिला हुआ है, और हम विचार करें कि हम खूब जोरदार वस्त्र पहन लें तो इससे परमात्मा मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हम खूब लंबे बाल बढ़ा लें, इससे भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी परमात्मा नहीं मिलता। हम घंटों तक तप साधना में बैठ जाएं तो भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी भगवान नहीं मिलता, उससे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। फिर हमने सोचा कि हम बहुत देर तक बैठकर हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, तो भगवान उससे भी प्राप्त नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए बस इस मन के भीतर, इस चित्तवृत्ति के भीतर, तानपुरा लगा लो बाप, इस चित्तवृत्ति के भीतर, इस मन के भीतर हमें केवल एक निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से हमें भगवान को पुकारना। और जिस समय हम निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से उस परमात्मा को पुकारते हैं, हम भगवान को अगर बुलाते हैं, तो परमात्मा हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता। उसको मिलने में देरी नहीं लगती। मेल साफ कास्टिक करेगा, हरे पर नहीं, कलर नहीं, खुशबू नहीं अगर करेगा, तो बस वो कास्टिक जो अंदर है वो मेल साफ कर देगा। उसी तरह हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, और हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया स्मरण, हमारे ना जाने कितने मेल को साफ कर सकता है। केवल एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल एक भगवत तत्व के आनंद में प्राप्त हो जाती, तर जाती। महाराज प्रहलाद जी के वंश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ हिरण्यकशिपु का संवाद आता है, और हिरण्यकशिपु का संवाद आया, कितना कितना प्रबल राक्षस जीव था, असुर प्रवृत्ति थी, कितनी असुर प्रवृत्ति, और इतनी असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रहलाद का जन्म हो जाना, वो भी देवऋषि नारद के घर में जाकर, जब प्रहलाद की माता जी गर्भस्थ थी, और यहाँ माता जब गर्भ से थी और इंद्र ने हरण कर लिया, जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए, साधना करने के लिए गए, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के लिए गए, और इंद्रदेव लेकर जा रहे थे और देवऋषि नारद ने उनको छुड़ा लिया, देवऋषि नारद ने उनको ले लिया, और लेने के बाद देवऋषि नारद ने कहा तुम इनको लेकर कहां जा रहे हो, तो इसके गर्भ में जो बालक है वो इतना प्रबल है कि वो बालक हो सकता है कि हिरण्यकशिपु जैसा ही राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ना जाने कितना उपद्रव मचाएगा।
फिर ना जाने वो कितना उपद्रव कर दे, इसलिए इसको गर्भ में ही शांत कर दिया जाए, इसको गर्भ में ही मिटा दिया जाए। अब जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान दीजिए कथा की ओर। शिव महापुराण, आज श्रावण के महीने की शिवरात्रि है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गर्भ में ही उसको मारने का विचार देवऋषि नारद किया गया कि गर्भ में ही इस बालक को समाप्त कर दिया जाए। गर्भ में इस बालक को मार दिया जाए, और यदि वो गर्भ में मर गया, शांत हो गया, गर्भ में समाप्त हो गया, तो फिर जन्म ही ना लेगा, और जन्म जब नहीं लेगा तो फिर राक्षस उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर राक्षस प्रवृत्ति फिर रही कहां। उसको क्यों ना हम गर्भ में मार दें। अब जैसा इंद्र हिरण्यकशिपु के पुत्र को मारने का प्लान बनाए, विचार करा, जरा विचार करिए, जब आप गर्भ में हो गए माता के, जब आप माता के गर्भ में विराजमान हो गए, तो भगवान अगर चाहता तो तुम्हें गर्भ में ही नष्ट नहीं कर देता। भगवान अगर चाहता तो गर्भ में नष्ट नहीं कर देता, पर उस परमात्मा ने गर्भ में नष्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे थे, प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे थे, पर देख लिया देवऋषि नारद ने कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह बालक जो गर्भ के अंदर विराजमान है यह कोई साधारण नहीं हो सकता, जो गर्भस्थ विराजमान है यह भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवत का स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, ये ज्ञात हो गया देवऋषि नारद को। और कोई सदगुरु होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई साधक ऐसा होगा जो पहचान जाएगा कि ये गर्भ में मारने के लायक नहीं है, इसको मारा ना जाए, इसको जीवित रखा जाए। और जब ये जीवित रहेगा, जब ये जीवित रहेगा और जीवित रहेगा तो फिर ये कहीं ना कहीं हरि भक्ति को धारण करेगा, भगवान के स्मरण को धारण करेगा, और भगवान की भक्ति में जब डूब जाएगा, भगवान के स्मरण में जब डूब जाएगा, भगवान की सहज भक्ति में जब वो पहुंच जाएगा, तो संसार के ना जाने कितने लोगों को भी भगवान की भक्ति में डुबो देगा। मारने को तो भगवान गर्भस्थ मार देता, भगवान दोनों को जीवित रखता है, धर्म करने वाले को भी और पाप करने वाले को भी। अगर भगवान चाहते तो इस रावण को गर्भ में नहीं मार देते। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था से चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अगर भगवान पापी को मारना होता तो जन्म ही क्यों देता। अगर लंकाधिपति रावण को भगवान को मालूम है कि ये राक्षस है, भगवान को मालूम है ये उपद्रवी निकलेगा, तो फिर इसको जन्म क्यों दिया, उसको गर्भ में नहीं मारते थे। भगवान को मालूम था कि यह कंस है और उपद्रव मचाएगा और ना जाने पूरी मथुरा ब्रजमंडल को हाहाकार मचा देगा, तो भगवान क्या इस कंस को नहीं मार देते गर्भ में, पर भगवान ने उसको जन्म दिया। हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए तो क्या भगवान को नहीं मालूम था कि यह पैदा होगा तो उपद्रव करेगा, पर भगवान ने उसको भी जीवित करा। हिरण्याक्ष का भी मालूम था, संसार में भगवान अगर देवतुल्यों को, भगवत भजन करने वालों को, स्मरण करने वालों को, पुण्य करने वालों को, धर्मात्माओं को अगर मेरा भगवान जन्म देता है तो उसके साथ में पाप करने वालों को भी भगवान जन्म देता है। कारण क्या होता है कि भगवान ये विचार करता है कि पुण्य वाले के साथ में भजन में अगर लगोगे, परमात्मा की भक्ति को धारण करोगे, तो एक ना एक दिन वो परमात्मा का मिलन करवा देगा। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक गोबर के कीड़े को भंवरे से मित्रता हो गई, अब वो गोबर में रहने वाला कीड़ा और मित्रता किससे करा, भंवरे से। अब गोबर में रहने वाले कीड़े की मित्रता भंवरे से हो गई, अब भंवरे से हो गई तो दोनों में बड़ी बड़ी गहरी मित्रता हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ी मित्रता। एक दिन भंवरा बोला गोबर के कीड़े से, अरे भाई, हाँ मित्र बोल, क्या बात है, बस मेरा मन कहता है कि अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इतनी सी बात। गोबर के कीड़े ने कहा, चला जा जल्दी आ। तो क्या कहाँ हूं, तो भंवरे ने पूछा मैं कहाँ हूं, तो गोबर का कीड़ा कायम रहता था, अरे जम के तो बोलो गोबर के अंदर। तो गोबर के कीड़े ने कहा, जल्दी आ, मैं जहां दे रहा हूं मेरे साथ चल, अभी खिला देता हूं। और जैसे ही वो गोबर में भंवरा बैठा,
और उसके पंख सब गोबर में लथपथ हो गए। बेचारा खाने गया था भोजन और मालूम पड़े उसी में लथपथ हो गया। फिर उसका मन नहीं लगा, बड़ी मुश्किल से गया, फिर जाके नहाया, स्नान करा, उसने कहीं जाकर पानी की बूंदों से अपने आप को स्नान करा, धोया, फिर इसके बाद वापिस आया। अब भवरे ने कहा, भाई तेरे साथ में नहीं रह सकता, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चल। कहाँ चलूं मैं? तू चल तो सरी मेरे साथ, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूं, अच्छा अच्छा भोजन कराता हूं। और भवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को बिठाकर, एक फूल के अंदर ले जाकर उसको बिठाया और बिठा कर कहा, अब इसका पराग का जो रस है, इस पुष्प का जो रस तत्व है, इस पुष्प का जो आनंद है, वो तू ग्रहण कर। और इस पुष्प का जब रस तत्व तू ग्रहण करेगा, उसमें जो खाने में आनंद आएगा, जो पाने में आनंद आएगा, जो तुझे सुख मिलेगा, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। अब वो जो गोबर का कीड़ा था वो फूल के अंदर बैठ गया। अब तो पहली बार तो इतनी जोरदार पार्टी मिली है, अब अभी तक तो इतनी जोरदार पार्टी मिली नहीं थी, और अब जो पार्टी मिल रही है, इतना जोरदार जो भोजन मिल रहा है, तो उसमें तो सुख का अनुभव हो गया। गोबर का कीड़ा इतना डूब गया भोजन में, इतना डूब गया कि धीरे 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 वो पुष्प बंद हो गया और कीड़ा उसी में रह गया। भौरा चले गया, भौरा चले गया, कीड़ा उसमें डूब गया। गोबर का कीड़ा फूल में बंद है, पुष्प में बंद है। माली आया, सवेरे सवेरे पुष्प उतार कर ले गया। माली ने ले जाकर उस पुष्प को बाजार में रखा, वहां से कोई ब्राह्मण उस पुष्प को खरीद कर ले गया। ब्राह्मण उस पुष्प को लेकर गया, भगवान के चरणों में ले जाकर उस पुष्प को छोड़ दिया। अब वो कीड़ा भगवान के चरणों से निकला, भगवान के श्री विग्रह की ओर बढ़ा और भगवान के शरीर पर घूम रहा है। घूमने के बाद वो कीड़ा वापस फूल में जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद जब पुष्प को उठाया गया, निर्माल्य जब पुष्प हो गए, उनको जब उठाया, उठाने के बाद उसको ले जाकर फिर फूल को, जो उतरे हुए फूल होते हैं, उसको ले जाकर पंडित जी ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में डाला, जैसे ही वो गंगा में गया, जाते से ही गंगा के जल में तैर रहा था, ऊपर से भंवरा आ गया। भंवरे ने आकर कहा, मित्र क्या बात है, आज तू बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। तो वो गोबर का कीड़ा कहता है कि मित्र बने तो तेरे जैसा बने, जिसने मुझे गोबर में से निकालकर पुष्प में ले जाकर रख दिया, पुष्प में से ले जाकर भगवान के चरणों में ले जाकर रख दिया, भगवान के चरणों में से ले जाकर गंगा के जल में ले जाकर रख दिया, ऐसा मित्र बने तो आपको अच्छी जगह ले जाकर रख दिया। अगर संसार में जन्म मिला है आपको, मृत्यु लोक में आप पैदा हुए हो, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, और तो माता को पिता को लज्जित मत करना, साथ उसी का देना जो सतमार्ग पर चल रहा। नेक पथ पर चलकर, कहीं धर्म, कहीं शास्त्र, कहीं वेद पुराण पर कहीं उंगली ना उठाए, वो पहचान में आ जाता है कि ये कहां का कीड़ा, उसको उठाया और उठाकर ले जाकर रख दिया गंगा के जल में। वो कह रहा है, मित्रता हो तो ऐसी हो कि जो अपने मित्र को गोबर में से निकालकर अच्छी जगह पर गंगा के जल में ले जाकर बिठा दे, वो मित्र होना चाहिए, वो परिवार होना चाहिए, वो कुटुंब होना चाहिए, वो कबीला होना चाहिए, वो सखा होना चाहिए, वो सहपाठी होना चाहिए, वो संगी होना चाहिए। गोबर में से निकालकर जो आपको भगवान के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ दे, गोबर में से निकालकर जो परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, गोबर में से निकालकर जो गंगा के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दे। दो तरह के मित्र होते हैं, एक मित्र हमेशा कहता रहता है, चल रहे महाकाल चलते हैं, चल रहे ओंकारेश्वर चलते हैं, चल रहे भीमाशंकर चलते हैं, चल रहे पताल महादेव चलते हैं, चल कुबेरेश्वर महादेव चलते हैं, चल चमत्कालेश्वर महादेव चलते हैं, चल मन कामेश्वर चलते हैं। वो बार बार तुमसे कह रहा है, अरे श्रावण का महीना चल रहा है, चल मंदिर चलते, महाकाल चलते, ओंकारेश्वर चलते, नर्मदा नहाएंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे, छिपरा नहाकर बड़ा आनंद पाएंगे, गढ़कालिका का दर्शन करेंगे, भैरू का दर्शन करेंगे, सुंदर माँ हरसिद्धि का दर्शन करेंगे। एक मित्र कह रहा है चल वहां चल, बार बार कह रहा है, और दूसरा मित्र कह रहा है, अरे चल तो सरी उज्जैन चलेंगे, तुम्हारा जोरदार
खूब भांग घुटती है तो भांग पीकर आ जाएंगे। अब एक जा रहा है काय के लिए, चमके बोलिए जरा, दर्शन के लिए। दूसरा उसी उज्जैन में जा रहा है, उसी महाकाल की नगरी में जा रहा है, पर उसके विचार अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी बुद्धि उसका विवेक अलग है। एक कह रहा है चल दर्शन करने ओमकारेश्वर, दूसरा कह रहा है रहने अभी देखते हैं अगले सोमवार तक चलेंगे, अगला सोमवार है, फिर अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अभी तो लॉकडाउन हटा, बड़ी मुश्किल से तो व्यापार चला है, अगले सोमवार चलेंगे। श्रावण पूरा निकल गया और श्रावण पूरा निकला, अब विचार आया कि एक काम करते हैं, अब अभी नहीं जा रहा, फिर बाद में देखा जाएगा, बाद में देखिए, विचार करा फिर बाद में चलने का विचार। अब तुमने दर्शन के लिए भाव रखा और भोजन के लिए भाव होता तो आज की जगह कल भोजन करूंगा पत्नी से कह दो, पत्नी से कहना अगले सोमवार भोजन करूंगा, फिर अगले सोमवार के अगले सोमवार करूंगा। भोजन के लिए तो एक मिनट की देरी नहीं होती, व्यसन के लिए एक मिनट की देरी नहीं होती, श्रृंगार के लिए एक मिनट की देरी नहीं होती, केवल अगर होता है तो परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा को पाने में, परमात्मा की हाजिरी में, परमात्मा को प्राप्त करने में हम देरी कर देते हैं। परमात्मा मित्र ऐसा बनाओ, सखा ऐसा बनाओ, दोस्त ऐसा बनाओ, सहपाठी ऐसा बनाओ, परिवार ऐसा बनाओ जिस परिवार के अंतर्गत परमात्मा को भी लगे कि मैं इसको जन्म दूंगा तो जन्म देने के बाद ये भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवान को मालूम है तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें क्या करना। एक चोर पानी बहुत तेज आ रहा था, संत की कुटिया में आ गए, संत की कुटिया में जैसी चोर आए, आते सी चोर ने संत की कुटिया में आते सी संत ने पूछ लिया, कौन हो तुम, कौन हो? चोर ने कहा मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है। संत ने कहा चलो बाहर निकलो, हमारे आश्रम में रहोगे, चोरी कर आ रहे हो, चोरी का सामान लेकर आ रहे हो, चलो निकलो यहां से बाहर। और संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। पानी बहुत तेज आ रहा था, उस जलवृष्टि में वो गीला हो रहा था, कांप रहा था, ठंड सी लग रही थी उसको, पानी में गीला हो रहा है, कांप रहा है, दांतुड़ी बज रही है उसके, दांतों में से आवाज आ रही है। संत अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर आकर संत माला लेकर बैठ गए, साधु माला लेकर बैठ गए, तपस्वी माला लेकर बैठ गए, सन्यासी माला लेकर बैठ गए। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होकर कहा, अरे ओ संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, मुझे तो माता के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा, मैंने फिर भी जन्म दिया और माता के गर्भ से उसको प्रविष्ट करा, तो तू अपनी कुटिया से क्यों बाहर निकाल रहा है? मुझे तो पहले से मालूम है, माता के गर्भ से बच्चे की जब नाल कटती है, बच्चा जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बालक जन्म लेता है, बालिका जब जन्म लेती है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, नाल कटते से उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि ये क्या बनेगा, क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितना इसको भजन करना है, कितना दान करना है, कितना पुण्य करना है, कितना सत्कर्म करना है, कितना नाम जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, कितनी निंदा करना है, कितनी चुगली करना है, कितनी बुराई करना है, उसके लेख पर लिख दिया जाता है कि इसको इस समय पर इतनी बुराई करना ही पड़ेगी, इसको इस समय पर इतना भजन करना ही पड़ेगा। और जब उसके भाग्य में लिख दिया गया, उसके भाग्य में जब लिखा गया तो फिर उसको वो करना ही है, चाहे तुम कितने सात ताले में बंद कर दो तो भी वो करे, तो भी करे। भगवान को मालूम था जन्म देने के पहले, भगवान जब गर्भ में रखा आपको हमको, चाहे आप हो, जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे वो सुन रहे हो ना सुन रहे हो, चाहे वो कहीं बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस परमात्मा को अपने जन्म के पहले मालूम था कि ये क्या करेगा, ये निंदा करेगा कि भजन करेगा, ये स्मरण करेगा कि भक्ति करेगा, ये भोजन करेगा कि भजन करेगा, ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, ये सब परमात्मा को मालूम, आपको नहीं, परमात्मा को सब मालूम। यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण को जब देखा गया, यशोदा जी की गोद में जब लाला को देखा गया, महाकाल राजा ने मेरे भगवान भूतरिपति भूतेश्वर मेरे शिव ने कहा कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, ये कह दिया। तो
भगवान कृष्ण मन में मुस्कुराते हुए यशोदा जी की गोद में विचार करते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, पूतना इसको मार नहीं आएगी, तृणावत इसको मार नहीं आएगा, अगासुर बकासुर कंस ये सब इसको मार नहीं आएगा, इसके इसके मस्तिष्क पर काल मंडरा रहा है। ये भगवान शंकर जब लाला का दर्शन करने आए तब कह रहे हैं यशोदा रानी से कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है। और भगवान मन में विचार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं माता यशोदा की गोद में कि जब स्वयं महाकाली पहले आ गया तो फिर ये काल क्या करेगा, फिर ये काल करेगा क्या। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, फिर काल उसका क्या बिगाड़ सकता। बिगाड़े तो बिगाड़े क्या, क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति में शिव। भगवान को मालूम है आप कितना भजन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना मंत्र जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना नाम जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना कीर्तन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को एक एक चीज का स्मरण है कि आपकी भक्ति कैसे होगी, आपका स्मरण कैसे होगा, आपका मंत्र जाप कैसे होगा, आपका नाम जाप कैसे होगा, आप कितना कीर्तन करेंगे, कितना मंत्र जाप करेंगे, कितना नाम जाप में डूबेंगे, ये परमात्मा को ये शिव को मालूम है। भगवान को ये ज्ञात है पर हम कितना सुंदर गीता जी में कहा है भगवान ने, कितना सुंदर भगवान गीता जी के भीतर कह रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आप कर्म करिए फल की इच्छा न रखिए, आप तो केवल कर्म करो। और जितना कर सकते हो करे जाओ, जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण आपको लगे कि अब मैं कर्म करते करते हार गया थक गया अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, तब फिर विचार कर लेना, पर कर्म से पीछे मत हटना, कर्म तो करना पड़ेगा। पूर्व के कर्म को काटने के लिए मृत्यु लोक में आकर हमें कर्म करना ही है। दुख आपको आपका परिवार कभी नहीं देता भाई, ना आपकी माता आपको दुख देगी, ना आपके पिता आपको दुख देंगे, ना आपका भाई आपको दुख देगा, ना आपकी धर्म पत्नी आपको दुख देगी, ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं और उनका परिवार उनको दुख दे रहा है, कितने लोग हैं ऐसे। कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि आपको ना आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है, ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ना आपका कुटुंब के लोग परिवार के लोग भाई आपको दुख दे रहा है, ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे कुटुंब वाले हमको दुख दे रहे हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितना गाली देने वाले मिले हैं, ये जितना उंगली उठाने वाले मिले हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारे टांग खींचने के लिए सामने खड़े हुए हैं, ये कोई तुम्हारे होंगे। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए आप, आपके ये चित्तवृत्ति बुद्धि से ये बात सब निकाल दो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से निकाल देना कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है। हाँ, तूने किसी गाय को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है वाणी के डंडे कुदा रही है।
कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना। पूर्व में हम हमारे बुजुर्ग कोई कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी होगी, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बचना नहीं है, बहुत बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे, तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। हमको लग रहा है कि ये हमारे ऐसे हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहा है, पर नहीं नहीं भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीओर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पूना, जहां तहां हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहां हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना, कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया, तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहे पूना चले जाओ, कोई कहे मुंबई चले जाओ, कोई कहे इंदौर चले जाओ, कोई कहे भोपाल चले जाओ, और रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर, विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर, जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई, लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है, उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने, अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आया कि ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते हैं, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए, पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया पर कष्ट तो मिला, पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया, हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया, पर फिर प्रकृति ने क्या करा, आज की स्थिति में प्रकृति क्या कर रही है, फिर वो भी अंदाजा लगा, कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उसने, फिर बच्चा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये तीन उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो, अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है, जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसे ही तो दिखेगा, लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा, नेत्रों में जो काम
अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छाई दिख ही जाएगी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, हम देख रहे हैं, हम चित्त वृत्ति से हम विचार रहे हैं। कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। फिर बुरा क्या, अपना कर्म जो हम कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है, दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है, हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। इसलिए बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब यही रह जाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया, इसका मूल तत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है। इसकी मूलता कुछ नहीं, इसकी मुख्यता कुछ नहीं, इसकी महत्वता कुछ नहीं। किले भोले का नाम, भगवान शिव का मंत्र, नाम स्मरण, जप, कीर्तन सुख दे, और वो सुख कोई साधारण नहीं हो सकता, वो सुख का आनंद, वो सुख का भाव बढ़ता चले जाता, आनंद बढ़ता चले जाता। ले भोले का नाम काहे यूं भटके, मिलता है आराम काहे यूं भटके। ये शिव का नाम लेकर हम जब अग्रण्य हो जाए, प्रेशर खोलिए महाराज, प्रेशर खोलिए, हम शिव का नाम लेकर जब अग्रण्य बढ़े, आगे बढ़े, शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्यता के भाव की ओर बढ़े तो जीवन का सुख क्यों ना मिलेगा, सर वो जीवन का आनंद क्यों ना मिलेगा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं कोई बुरा नहीं संसार में, ये जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले बनते चले जाते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार बनते चले जाते हैं, कर्म के अनुसार, ये कोई दूसरा बनाता नहीं है। जैसा पूर्व में कर आए हो वैसा आपके सामने आपका व्यवहार सामने वाले का प्राप्त होगा, वैसा व्यवहार प्राप्त होगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है महाराज। अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छी संगत में अगर विराजमान होगे तो सुख अपने आप मिलेगा। माता के गर्भ से अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ है। अगर आप बैठकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना, थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा की कृपा पूर्वजों का आशीर्वाद आपको ऊपर हुआ है, इसलिए आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, श्रावण के महीने में आज शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन कर रहे हो।
घर में चार बहुएं होती हैं, पांच बहू होती है, छह बहू होती है, सास छह बहू को बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ, अरे बोलो जम के जरा, नहीं बोलती ना, सास किसी एक का नाम लेगी, ए बेटा, ए लाली, एक बहू का नाम लेगी और उसको पुकारेगी और पुकार कर कहेगी जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे बेटा, बहू जाएगी पानी ला कर देगी। अब सास ने वो तीन को क्यों नहीं बुलाया रे, अरे बोलो तो जम के, वो तीन से क्या सास की दुश्मनी थी, नहीं, वो भी रोज मिलती, वो भी रोज प्रणाम करती है, वो भी रोज नमन करती है, वो भी रोज ना रोज सास के पास जाकर बैठती है, वो भी सास उनको भी साड़ी देती है और सास उसको भी साड़ी देती है, सास उसको भी रकम देती है उनको भी, और एक को बुलाया आवाज लगाकर, ए बेटा, ए लाली, ए बहू जरा इधर आ, और जिसका नाम लेकर बुलाया वो दौड़ कर आई और लाकर पानी दे दिया। पर सास इसी को क्यों बुलाती है, चार बहू में से इसी बस बहू को आवाज क्यों लगाती है, बस उतना तुम अंदाजा लगा कर रखो कि सास इसी को ज्यादा क्यों बुलाती है, इसी से बात क्यों ज्यादा करती है, ना तो उसने कुछ दिया, ना इसने कुछ दिया, ना कोई बात, पर कुछ बहू में, चार बहुओं में, चार बेटे में कोई एक ऐसा होता है जिससे सास की अच्छी पटती है, उसी तरह भोलेनाथ भी परिवार में उसको देख लेता है जिससे शिव की अच्छी पटती है, उसी को बिठाता है कथा में। उसी को तो कथा में बिठाएगा शंकर, उसी को तो आस्था चैनल के सामने कथा श्रवण कराएगा, ऑनलाइन कथा सुनवा रहा है, मंदिर लेकर जा रहा है, देवालय लेकर जा रहा है, पूजन करवा रहा है, अर्चना करवा रहा है, नाम जाप करवा रहा है, नाम कीर्तन करवा रहा है, क्यों, किसी एक को शंकर ने पकड़ लिया तुम्हारे परिवार में से, बहू को, बेटी को, माता को, पिता को। कई बार पुरुष लोग भी शिवपुराण की भक्ति में डूबे रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं दुकान पर जाकर देखते हैं, कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका मन नहीं लगता कथा में, वो जाकर सो जाती हैं, और कई बहुएं ऐसी होती हैं, माताएं ऐसी होती हैं, वो भक्ति में लगी रहती है, पुरुष नहीं लग पाता, पर किसी एक को भगवान शंकर ने पकड़ कर रखा है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना है इसलिए मेरी भक्ति में ये लगेगा, तो ना जाने कितनी पीढ़ी को एक बार में तार देगा। भगवान जन्म ऐसा देता है कि ये भक्ति में लगे और 71 पीढ़ी को तार दे, सात पीढ़ियों को तार दे। भगवान शिव भी वही करता है, अपनी भक्ति में उसको डुबो कर रखता है जो भक्ति में कई पीढ़ियों को पार लगा सके। प्रहलाद गर्भ में, प्रहलाद के कितने भाई थे, सब प्रहलाद जैसे निकले क्या, नहीं, पर भगवान ने कहा इसको जीवित रखो क्योंकि ये भक्ति करेगा, ये भजन करेगा, ये स्मरण करेगा, ये मंत्र जाप करेगा, ये नाम जाप करेगा, और भगवान की भक्ति में डूबेगा तो ये भगवान को प्रकट भी कर लेगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आपके जन्म का कारण केवल एक है। आज तक संसार वालों को ये नहीं मालूम कि हम पैदा ही क्यों हुए, केवल बुराई करने के लिए, केवल निंदा करने के लिए, केवल चुगली करने के लिए, केवल कपट करने के लिए, कभी केवल बेईमानी करने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए। हमारे पैदा होने का कारण क्या है, पैदा होने का केवल एक कारण है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो भगवान का भजन करना, मृत्यु लोक में अगर आए हो तो नाम जाप करना। अगर मृत्यु लोक में आए हो तो भजन करो, मंत्र जाप करो। अरे मौका मिला है, उस स्मरण में डूबो। और कितनी भगवान कृपा करेगा जरा विचार करिए, कितनी कृपा और परमात्मा करेगा कि महाशिवरात्रि जैसी शिवरात्रि श्रावण के महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको पहले भी कहा, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं आती हो। इस शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की, अगर शिव पुराण तुम्हारे पास में हो तो उसको पढ़ना, उसमें शिवरात्रि का महत्व दिया गया है, शिवरात्रि का उद्यापन दिया गया है। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में हर महीने शिवरात्रि आती है, पर कुछ शिवरात्रि का महत्व स्कंद पुराण में भी कहा गया है। जैसे अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, इनकी महत्वता कही गई, पर इस महत्वता को लोग जान नहीं पाए, आज तक प्रकट नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा चली और उसमें आपको, नहीं तो आप लोग भी, इतनी बार अभिषेक करा, इतनी बार पूजन करी, इतनी बार अर्चना करी, तुम्हारे ध्यान में आया क्या कभी कि श्रावण में शिवरात्रि आएगी और इतनी महत्वता रखती है, इतनी महत्वता रखती है कि उस शिवरात्रि का महत्व आनंद देने वाला होता है, कार्य की सिद्धि देने वाला होता है। पर शंकर की कथा में जब हमने श्रवण करना प्रारंभ करा, शिव की कथा में जब हमने ज्ञात करना प्रारंभ करा, तब समझ में आया कि सावन के महीने में भी जो शिवरात्रि होती है वो जीवन का आनंद प्रदान कर देती है, वो साधारण नहीं हो सकती, उसका रसतत्व बड़ा होता है।
एक विपिन जोशी रऊ से, नाम है उनका विपिन जोशी रऊ के, उस बच्चे ने एक मैसेज करा है, किसी के यहाँ सर्विस करता है वो, तो उस बच्चे ने मैसेज करा है कि मेरी बहन की शादी है देव उठनी एकादशी के बाद, मेरी बहन की शादी है और मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन है, मेरी माँ दूसरे के यहाँ खाना बनाने जाती है, कभी हम लोग टिफिन भी दे देते हैं, पर अभी लॉकडाउन में ना टिफिन चल रहे हैं ना भोजन चल रहा है, बड़े दुखी थे हम, बहन की शादी सिर पर है, पैसे की व्यवस्था नहीं, किराए के मकान में हम रहते हैं। मैंने उस बालक को, हमने आशीष जी से कहा है कि उसको कहना कि तुम्हारा फोटो भी जरूर डालना, तुम्हारी क्लिपिंग भी जरूर डालना, वो लिख कर भेजा है कि ये शिवरात्रि जो सावन के महीने में आई है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, मिट्टी के पैकेट बना ले, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और थोड़ा थोड़ा कमल गट्टा, थोड़ी काली मिर्ची रखकर उसका पैकेट बना ले। मैं धन्यवाद लिखकर भेजता हूँ कि मेरी बहन की शादी की व्यवस्था शंकर ने आज ही कर दी है, ये फिर प्रभु की कृपा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे व्यवस्था होगी, शिव करने वाला है, मेरी माँ का इस शिव महापुराण के प्रति जो विश्वास है वो जागृत हो गया। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी आज की शिवरात्रि की धूम मची हुई है। हर साल सावन आया, पहले भी कितने सावन निकल गए, पर मालूम शिवपुराण शिवरात्रि आए सावन के महीने में आती भी तो निकल जाती, किसको मालूम, कौन बताए, किसको ज्ञात। और आज जो शिवरात्रि आई, पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई, पूजन की तैयारी, ने लोग मिट्टी खरीदे, ने सामान खरीदे, ने गुलाब का फूल, अखबारों में आ गया कि दो दिन में गुलाब के फूल की कीमत 4 गुनी हो गई। धतूरा भी सिर चढ़ गया, अब धतूरा लोग शंकर जी के सिर चढ़े, कहीं कहीं तो दिमाग में चढ़ गया धतूरा, गजब। एक भाई ने तो क्लिपिंग भेजी है कि मैं धतूरा लेने आया हूं, तो धतूरा लेने आया हो, कहते मैं धतूरा लेने आया हूं, धन्यवाद। कितना उत्साह, बड़ी प्रसन्नता होती है, हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू के बेटे हो और हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए हो, आज हिंदू धर्म को ये दूसरी दूसरी संप्रदाय के लोग काट रहे हैं, कम से कम इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, घर घर में जब शंकर का शिवलिंग का अनुष्ठान होगा, 7 बजे से 8 बजे तक जब पूजन होगी, तो कम से कम हिंदू तो जागेगा, हिंदू तो आगे बढ़ेगा। जो ये धर्म को काट रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर तलवार लेकर झूल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म काटेंगे, हमारे धर्म में लोगों को जोड़ेंगे, हम इनको ये बना देंगे, हम इनको ये बना देंगे, नए नए लड़का लड़कियों को काट काट कर दूसरे धर्म की ओर लेकर जा रहे हो, कम से कम घर में बैठकर जब मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तुम सावन में कर रहे हो, पर सावन में शिवलिंग का निर्माण अगर होता है तो सूर्य अस्त के पहले शिवलिंग का विसर्जन होता है। पर याद रखना, आप शिवलिंग बना रहे हो रात्रि को, अनुष्ठान कर रहे हो रात्रि को, विसर्जन कर रहे हो रात्रि को, तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना क्योंकि शिवरात्रि है, 12 महीने की शिवरात्रि को रात के समय शंकर का पार्थिव शिवलिंग बन जाता है, ये शिव महापुराण में शिवचरित्र के अंतर्गत लिखा है। रात्रि के समय पर शंकर भगवान का केवल शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की शिवरात्रि को आप रात को कभी भी शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, अर्चना करो, 4 बार करो, भगवान की आराधना करो और फिर उसका विसर्जन करो, ये शिव महापुराण में लिखा, और वो कोई दूसरी शिव पुराण नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की उठा लेना, पढ़ लेना, उसमें वर्णन मिलेगा। काली मिर्ची चढ़ती है, शिव पुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। गेहूं के दाने चढ़ते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए, स्मरण करो उसका। एक एक चीज जो शंकर को चढ़ रही है, वो क्यों चढ़ रही है, किस लिए चढ़ रही है, उसका अनुमोदन शंकर की कर। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अपने धर्म को कटने मत देना, दूसरे धर्म में ये बच्चे और बच्चियों को जाने मत देना, इनको रोकने का एक ही तरीका है, भले सामने बैठ के रोको चाहे ऑनलाइन रोको, पर इस धर्म को बचाना होगा, तब जाकर धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा होगी, नहीं तो ये धर्म कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं।
और आज भी कई लोग लगे हैं कि कैसे भी बजे ये क्यों हो रहा है, अभी इसे किस लिए हो रहा है, क्या करेंगे इसको कर, ऐसा कहीं होए कहीं। तो घर में शिव को बनाना, उसकी आराधना करना, पार्वती मैया तो कहां जंगल में गुफा में बैठकर अकेली सखियों के साथ बैठकर पूजन कर रही है, रात भर करी हरतालिका तीज के दिन रात भर। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिवरात्रि आए, हर महीने की शिवरात्रि पर, तुम रोज शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते तो कम से कम शिवरात्रि पर पति जब दुकान से आ जाए, रात्रि को आ जाए, तब तो बैठकर आराधना कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन ही बना लो पार्थिव शिवलिंग का, निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो। पर हिंदू धर्म को बटने मत देना। इस हिंदू धर्म के बेटा बेटी आज गलत जगह पर जा रहे हैं, दूसरे धर्म की ओर तुरंत चले जाते हैं। आज उनको हाथ जोड़ने में शर्म आती है, तुरंत हाथ को इधर उधर करना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर पे पल्लू नहीं रखते, दूसरे धर्म में जाते हैं तो पूरा सिधी बांध लेते हैं। ये हिंदू धर्म के बेटा बेटी जब गलत जगह पर जा रहे हैं तो देरी नहीं करना हमको। ऐसे कई शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन हो सकती है, एक शिवरात्रि क्या, अन्य भी शिवरात्रि पर हो सकती है, पर हिंदू धर्म को डूबने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। धर्म नहीं कटने दूंगा, आज बेटा बेटी को भटकने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कहे, आनंद ले, भक्ति करे, भजन करे, स्मरण करे, पर डूबने ना दूंगा। भक्ति के बल पर आनंद पाओ, सुख पाओ, भटको नहीं। मार्ग शिव पुराण कर रही है, शंकर का अनुवाद, कितने कितने भाग्यशाली हो साहब, आपकी किस्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके भाग्य को धन्यवाद देता हूं, जो घर में बैठकर सा परिवार शंकर के अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर की अर्चना कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो 33 कोटि देवता भी बाल खुजाएंगे कि कहां से लिया आए है इतने शिवलिंग। पहले लोग 125 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, आवाज ना जाने कितने करोड़ बन जाएंगे घर घर में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में शंकर, हर घर में शिव, हर घर शिवरात्रि का अनुमोदन है। ये शिवरात्रि है मूल आनंद पाओ, ये वो सुख देने वाली, आनंद देने वाली। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, कर्म के अनुसार हमको फल देना। एक बार जब कद्रु और वीनता, नागों की माता कद्रु और वीनता, इन दोनों में शर्त लग गई, और शर्त लगी क्या कि ये सूर्य नारायण भगवान के जो रथ का घोड़ा है और घोड़े की जो पूंछ है वो सफेद, घोड़ा सफेद तो पूंछ भी सफेद, और कद्रु ने कह दिया काली है और वीनता करी सफेद, और उन दोनों में क्लेश मच गए। दोनों आ गया महाराज, सर्पों ने जाकर लपेट भी लिया। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। कद्रु के पुत्रों ने जाकर घोड़े की पूंछ को लपेट लिया, पूंछ काली हो गई, भिन्नता को दिख गई, भिन्नता दासी हो गई कद्रु, भिन्नता कद्रु की दासी। एक बार कद्रु के 1000 पुत्र थे, सांप कितने हुए थे 1000, और भिन्नता के 2 पुत्र थे गरुण वरुण, भिन्नता के 2 पुत्र, और ये कच्चा बाबा की जो 2 धर्म पत्नियां, ये बड़ी विचित्र भगवत स्मरण का फल तत्व जानने वाली थी, कोई साधारण नहीं थी महाराज। और दोनों से जो पुत्र हुए वो कोई साधारण नहीं है, एक भगवान विष्णु की सेवा में लगे हैं, इसके भी पुत्र कद्रु के भी, एक शिव के गले में पड़े हैं कद्रु के भी पुत्र, और इधर भिन्नता के पुत्र गरुण और वरुण, ये भी दोनों भगवान की सेवा में लगे, गरुण भी भगवान की सेवा में, वरुण भी भगवान की सेवा में, दोनों के पुत्र कोई साधारण होंगे, शिव भक्ति है, भगवान का स्मरण है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है, ध्यान दीजिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर, कद्रु की कथा और भिन्नता की कथा पर अगर आप ध्यान देंगे तो कद्रु के गर्भ में जब बच्चे थे तब कद्रु के मन में भिन्नता के प्रति कपट था, भिन्नता के प्रति कपट भरा हुआ था। एक गर्भवती जो नारी होती है ना, जिसके भीतर गर्भ होता है, गर्भवती जो नारी होती है, मेरा निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, गर्भवती नारी को अगर कितना भी क्रोध आए पर 9 महीने
थोड़ा क्रोध पर संयम रखिएगा। आपको कोई जल दे रहा है, लड्डू खाने को दे ना दे, कोई पेड़ा दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, सम्मान दे ना दे, आदर करे ना करे, सत्कार करे ना करे, पर गर्भवती नारी को 9 महीना जब तक बच्चे गर्भ में है तब तक मुख से अपशब्द नहीं कहना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण दूसरे पर नहीं होगा, जो गर्भस्थ बालक है उसमें होगा। देखिए, बीनता ने अपने पति से कहकर केवल 2 पुत्र मांगे थे, कद्रु ने 1000 पुत्र मांगे थे, दोनों को हुए, उसको 1000 हुए, इसको 2 हुए, पर बीनता ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे 2 पुत्र हों भगवत भजन वाले। कद्रु ने भी कहा मुझे भी 1000 पुत्र हों भगवत भजन करने वाले। तो कद्रु का पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु की सैया पर है, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है, ये भजन के भजन करने वाले चाहिए। दोनों ने भजन करने वाले मांगे, दोनों ने सेवा करी, दोनों ने अर्चना करी, दोनों ने स्मरण करा, पर एक के पुत्र सर्प बने जिनके मुख में विष भरा है, और दूसरे गरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वरुण जी महाराज जिनके मुख पर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जरा विचार करिएगा, क्यों? क्योंकि बीनता के मन में कद्रु के प्रति कपट नहीं था, पर कद्रु के मन में बीनता के प्रति कपट था, वो कपट का विष बन गया, और जितने गर्भ में बालक थे वो सब विषैले हो गए, वो सारे विषैले। बच्चों में कपट नहीं होता, बच्चों में छल नहीं होता, बच्चों में बेईमानी नहीं होती, बच्चों में प्रपंच नहीं होता, बच्चे तो एकदम साफ होते हैं, एकदम क्लीन। बच्चे एकदम साफ हैं, एकदम क्लीन, उनके मन में पाप नहीं है, उनके मन में कपट नहीं है। मां रोई, बच्चे पहले रो दिए, पिता रोया, बच्चे पहले रो दिए, घर की दशा देख ली, कुछ नहीं है, बच्चे कभी जिद नहीं करें, मम्मी हमको दिवाली पर कपड़े नहीं चाहिए, अभी कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रखे। बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच बेईमानी नहीं है, छल नहीं है, कोरा कागज है। अब कई कई की माताएं कहती हैं कि हमारा बच्चा बहुत उदम करता है, ये इतना गदर करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, तो उसका कारण क्या है गुरुदेव? आप बोलते हो कि छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, तो फिर आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या है? तो ये किसी बात का नहीं है, ये माता के गर्भ में जब ये था ना, और ये माता जैसा सोचती थी ना, जैसा विचारती थी, जैसा बोलती थी, जैसा संबोधन करती थी, 50 बार टॉर्चर करती थी, तुम जा रहे हो बाजार से मेरे लिए ये ले आना, फोन उठा उठा के बार बार कह दे तुम ये लेके आना, फिर पूछे तुम कहां हो, तुम कहां हो, 25 बार फोन करे, तो औलाद भी ऐसी पैदा हो, एक काम के लिए मना करो दूसरा काम जरूर करे। जैसा माता पिता का भाव होगा वैसे संतान। भाव वो होना चाहिए, गर्भस्थ नारी का भाव क्या होना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा है, गर्भस्थ संतान है, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, भगवान से निवेदन होना चाहिए कि मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। फिर वही वाली बात आ गई, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे भगवान। अब सोचो, भीतर तो इतना कपट भरा, छल भरा, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और ऊपर से देखो कि साहब बड़े विचित्र, तो भगवान कैसे आएगा? ऊपर से तो भगवान कभी आते ही नहीं, ऊपर से उनको आता जो बुलाता, नारियल लेके जाओ ना, अगरबत्ती लेके जाओ ना, आखा धाना लेके जाना, वहां पूछो कौन सा देवता आया, इन्हें तो क्या अभी आलू वाली देवी जी आई है। अच्छा, फिर वो देवता कब आएगा? तो आधे घंटे बाद आएगा, एक एक व्यक्ति के 4-4, 6-6 देवता आ जाए, कभी कभी तो पता ही नहीं पड़े, थोड़ी देर में आए ना पलट के दूसरा आ जाए, दूसरा गया तीसरा आ जाए थोड़ी देर में, वो तो साध वाले बताएं कि अभी इनको ये देवता था, फिर अब ये गई, अभी वाली देवी आ गई, अच्छा फिर देवी गई, फिर वो देवता, तो ये साध वाले बताएं, उनके तो जनता के कहीं मालूम पड़े कौन सा देवता, ये ऊपर का तो दिखे, पर भीतर परमात्मा कब आएगा? जब भीतर से साफ हो जाओ, तुम्हारे भीतर जब कपट ना हो, बेईमानी ना हो, प्रपंच ना हो, बैर भाव ना हो, अहंकार ना हो,
किसी के लिए कपट ना भरा हो, परमात्मा भीतर प्रवेश कर गया तुरंत। बाहर से देवता आता है तो बाहर का शरीर हिलता है, और भीतर से देवता आता है तो मन हिलता है। और ये बाहर का शरीर हिलना जरूरी नहीं है, मन हिलना जरूरी है। आत्मा जब हिल जाए भगवान की भक्ति में, नैनों से अश्रु बह रहे शुद्ध नहीं है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी उज्जैनी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं सीहोर जाऊंगी। चित्त नहीं लग रहा, खाना पीना छोड़, एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, एक बार काशी जाना, एक बार उज्जैनी जाना, मन में उत्सुकता उमंगता आनंदता समाहित हो रही, मुझे जाना है। तो वो एक वो बात कही ना, बन तितली में उड़ती फिरा भोलेनाथ तेरी काशी। प्रभु एक कृपा करना, अभी तो जो जन्म दिया ठीक है, परिवार वाले ले जाए ना ले जाए, भजन हो पाए ना हो पाए, अगला जन्म देना तो मुझे काशी में दे देना कि वहीं रहूं वहीं भजन करूं, उज्जैनी दे देना, ओंकारेश्वर दे देना, सोमनाथ दे देना, केदारनाथ दे देना, भीमा शंकर मल्लिकार्जुन श्रीशैलम नागेश्वर, जहां मर्जी पड़े त्र्यंबकेश्वर, ऐसी जगह देना जहां मेरा शंकर मिले, उठूं और पानी भरूं और शिव को स्नान करा कर जाऊं, शिव मेरा मैं शंकर की हो जाऊं, फिर कुछ सूझे ना, ना खाना भाए ना पीना भाए, शंकर में मैं डूबी रहूं, शिव मुझ में डूबा। आज बड़ी खुशी है, इस हृदय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता है कि आज पूरा विश्व शिव में डूब गया। 7 बजे की तैयारी सुबह से चालू है, इंतजार हो रहा है 7 बजे, 25 बार फोन लगा दिया 6 बजे आ जाना, तैयार। हृदय उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा। ईमानदारी की बात कहें, कभी मौका मिले तो आपके घर में अगर शिव पुराण हो तो शिवरात्रि प्रसंग को अवश्य पढ़ना, सुनना, धारण करना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण मंगा कर उसको पढ़ना, उसमें लिखा है शिवरात्रि के दिन शंकर के शिवलिंग का जब निर्माण किया जाता है, ग्रह में घर के अंदर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस मट्टी के एक एक कण में कोई दूसरा नहीं रहता, 33 कोटि देवता शंकर का अनुमोदन करने पधार जाते हैं। तुम्हारे घर में अभी तक मेहमान आए, तुम्हारे घर में अभी तक परिवार वाले आए, आज शिव तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है, शंकर तुम्हारे घर में अकेला नहीं, 33 कोटि देवताओं को लेकर जा, 33 कोटि देवता। मन में कपट नहीं होगा तो भगवान, यहां बीनता के मन में कपट नहीं था इसलिए वरुण और गरुण हुए, और यहां कद्रु के मन में कपट था तो भीतर बाहर की जिभ्या का जो जहर था, व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़े तेड़े संबोधन करता है, उसकी जीवान का जहर उसके भीतर उतरता रहता है, उसकी आत्मा उसकी चित्त उसकी वृत्ति अंदर ले जाती है। कद्रु जैसा बीनता से कपट करती थी वो कपट कद्रु के उदर में चला गया, और बच्चे जो 1000 गर्भ में थे उनमें वो जहर भरा गया, वही जहर आज भी सांप के अंदर है, सर्प के अंदर। कद्रु ने एक जिभ्या से विष उगला था, विष उगला मतलब अपशब्द कहे थे। कद्रु की कितनी जिभ्या थी, अरे बोलो जमके, एक। बिनता की कितनी जिभ्या थी, एक। तुम्हारी कितनी जिभ्या, एक। हमारी कितनी जिभ्या, एक। एक जिभ्या से हम जब विष उगलते हैं, हम एक जिभ्या से जब आड़ा टेढ़ा कहते हैं, गलत संबोधन कहते हैं,
फिर याद रखना पलट कर हमको दो जिभ्या से मिलता है, इसलिए सांप की कितनी जिभ्या होती है? दो। पलट कर विष, जिस विष को तुमने उगला, जिस विष को तुमने दुनिया को दिया, जिस विष को तुमने अपशब्द कहे, वही पलट कर दुगना होकर मिला। हमारा शास्त्र कहता है, महाराज कितनी सुंदर बात कहता है, अगर हम एक अन्न का दाना किसी को देते हैं, कोई ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आया, कोई गुरु तुम्हारे यहाँ आया, कोई साधक तुम्हारे यहाँ आया, कोई उपासक तुम्हारे यहाँ आया, कोई बेटी तुम्हारे घर घर पर आई, कोई बहनें तुम्हारे घर पर आई, और तुमने उसको एक साड़ी दे दी, ब्राह्मण को तुमने दक्षिणा दे दी, ब्राह्मण को तुमने तिलक कराकर भोजन करा दिया, एक अन्न का दाना भी हम संत को, ब्राह्मण को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, गौ माता को, बहन बेटी को अगर दे रहे हैं, तो विष्णु पुराण कहती है उससे हजार गुना ज्यादा तुमको प्राप्त हो जाता है। एक जिभ्या से दोगे, दो जिभ्या से मिलता है। एक हाथ से दोगे, हाथ में बटोरा नहीं जाएगा, इतना परमात्मा दे देता है। जैसा दोगे वैसा बढ़कर तुम्हें व्यास समेत मिलेगा। अब तुम अच्छा दे दो, अच्छा मिल जाएगा, बुरा दोगे बुरा मिल जाएगा, ताने दोगे ताने मिलेंगे, अपशब्द कहोगे अपशब्द, अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा, राम कहोगे तो राम भी बढ़कर मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? आप किसी को बोल कर देखना, तुमने तो मुंह से कितनी बार बोला राम राम, कितनी बार हुआ? दो बार। सामने वाले ने फिर बोला राम राम साहब, राम राम, तुम तो बहुत दिन से ही नहीं मिले, कितनी बार हो गया? चार बार। पलट कर प्रेम से दिया है ना, सुबह से मॉर्निंग वॉक करने जाओ और जरा बोल के देखना राम साहब, तो सामने वाला राम राम साहब, क्यों साहब आनी राजकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए, पानी बहुत गिर गया, तो कभी कभी तो आ जाया करो, तो कम से कम तुमसे राम राम तो हो जाती है, कितना हो गया रे? अब अभी बोला राम राम, मॉर्निंग वॉक में तुम आ जाओ तो तुमसे राम राम तो हो जाती है, कितना हो गया? चार। अरे तो और भी तो राम राम करते होंगे? नहीं, राम राम तो करे, पर तुमसे राम राम करने का आनंद दूसरा है साहब, कितना हो गया? छह। अब बात चल रही दोनों की, पर कई लोग तो ऐसे हैं, हम उनसे राम राम करे तो राम राम नहीं करे, तो उसने कहा भले नहीं करे, तुम तो राम राम करो साहब, कितना हो गया? आठ। सुबह से जो बात करने टीका राम 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 11 बार। अरे प्रहलाद की कथा आती है कि हिरण्यकश्यपु इतना पाप कर्म में लिप्त हो गए, इतने लिप्त हो गए कि प्रहलाद को चिंता लग गई, प्रहलाद की आंखों में जल भर गया। एक दिन देवऋषि नारद ने पूछ लिया, क्यों रे नारद? नारद जी ने पूछा, क्यों प्रहलाद ये बता तू रो क्यों रहा है रे? इतना विद्वान होकर तू रो रहा है? तेरी माता के गर्भ में मैंने तुझको ज्ञान दिया था, माता के गर्भ में मैंने तुझे विद्वान बना दिया था, फिर क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है? प्रहलाद कहते हैं मेरे पिताजी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जब वो प्राण छोड़ कर जाएंगे कहीं नरक ना पड़ जाएं उसका मुझे दुख है। देवऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, तेरे पिता के मुख से 21 बार तो राम राम किलवा लूंगा, नारायण नारायण किलवा लूँ, तू चिंता मत कर, अभी देख तू, कुछ नहीं तो 11 बार तो किलवा ही लूंगा, 21 नहीं तो 11। देवऋषि नारद ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बोले मेरे पिता के मुख से 11 बार नारायण किलवाना दम रखाता है, कोई एक बार नारायण नहीं बोले, कभी कभी मुंह पे नारायण आ भी जाता है तो ना बोल के रह जाता, आगे बढ़ता ही नहीं, तो चिंता मत कर। देवऋषि नारद ने एक तोते को बुलाया, तोते को सिखा दिया नारायण 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 नारायण, और उसको पेड़ पे बिठा, और जहां से हिरण्यकश्यपु निकल रहा था तोते को वहां बिठा दिया, और तोता हिरण्यकश्यपु जैसे नीचे उतरा और तोते ने बोल दिया नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने जो तोते को देखा तो गुस्से में लाल हो गया, मंत्री को बुलाया, इधर आ, हमारे राज्य में मनुष्य नहीं बोल सकता तो ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? गिनते जाओ जरा, ये तोता नारायण कैसे बोल दिया? मंत्री बोले हमको ही नहीं मालूम इसको सिखाया किसने, कल तक अगर इस तोते ने नारायण बोलना बंद नहीं करा तो तेरे प्राण हर लूंगा, गिनते जाओ। बस घर गया गुस्से में लाल, तन्न फन हो रहा, पत्नी ने पूछ लिया आज तुम्हारा क्रोध दिख रहा है, क्या हुआ क्या ये तो बताओ, जिस नारी ने प्रहलाद को गर्भ में रखा होगा वो माँ कैसी होगी विचार करिए। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य श्री रामानुजाचार्य, तुकाराम जी मीराबाई कर्माबाई नरसिंह मेहता नामदेव ध्रुव प्रहलाद को जिन माओं ने जन्म दिया होगा वो माँ कैसी होगी कभी विचार करिएगा।
जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है, वो माता कैसी होगी, उसका संस्कार कितना प्रबल होगा। ये माता को गौरवान्वित किया जाता है, ये माता को गौरवान्वित करने वाले शब्द। अब या दो बार हो गए, पूछ लिया धर्मपत्नी ने, तुम्हारा आज क्रोध बहुत दिख रहा है, इतने में तो गुस्से में तो आ ही रहा था, मेरे यहां का पक्षी और वो भी नारायण नारायण कर रहा है। तो पत्नी बोली, तुम्हारे राज्य में और पक्षी। पति बोला, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको नारायण सिखाया किसने। चलो अच्छा जाने दो, फालतू की बात मत करो, तुम तो चलो भोजन करो, टेंशन मत लो, चलो भोजन करो। पत्नी ने भोजन कराया। अब हिरण्यकश्यपु की पत्नी पंखा झेल रही, वो तो हिरण्यकश्यपु की पुराने जमाने की माताएं थी जो पंखा झेलती थी, आज के जमाने में तो पत्नियां पति की बात नहीं झेले, तो पंखा झेलने की तो जान दो। एक बार पति बोल दे कि पानी लिया और ये पानी लेके आई और ये कंप्यूटर में लगा या लैपटॉप पे लगा या मोबाइल में लगा और काम में लगा, लो पति काम में लगा नहीं, लो नहीं सुना, फिर तो ये टेबल पे धरे ये रखा है, नौकर नहीं है, वो जाए। एक ये जो 10 मिनट पानी लेके नहीं खड़ी रही, और एक रामचरितमानस में लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे। उर्मिला जल लेने के लिए जब गई, पानी लेकर आई, जैसे ही जल लाई, लो स्वामी, लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो मैं 14 साल के बाद पीऊंगा। चल दिया। उर्मिला 14 वर्ष तक हाथ में जल लेकर खड़ी रही, एक भारत की भूमि की वो नारी 14 वर्ष तक जल लेकर खड़ी थी अपने पति के लिए। चौदह साल इंतजार करी। आज के जमाने में तो एक व्यक्ति को फोन लगा और फोन नहीं उठाए तो 2 मिनट का इंतजार नहीं हो, कितनी देर से लगा रही हूं तू उठा ही नहीं रही है। बेचारी के मन में, भगवान तू तो फोन उठाने की बात करे, मारे ही उठा ले, इससे तो कई करूं इसके, बड़ी परेशान। 1 मिनट की देरी हो जाए, 1 मिनट नहीं चुके, 1 मिनट। और वो 14 साल 14 वर्ष करी। कितनी बार हो गया था नारायण? फिर पंखा झेलती झेलती बोली, तो तुम गए कहां थे ऐसे? पंखा झेलती झेलती गए कहां थे? कहां गए थे ये तो बता। वन में गया था मृगा करने के लिए। तो फिर वो पक्षी कहां था? पक्षी नहीं, तोता था। कहां था? पेड़ पे बैठा था। तो इतनी ऊपर से तुम नीचे सुन लिए? तो इतनी चिल्ला चिल्ला के नारायण 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 बोल रहा था, सुनू नहीं? कितना हो गया? 8। अब पत्नी इतनी खुश हो रही, राम। अच्छा, जो कभी भजन नहीं गुनगुनाए, जिसके मुंह पे कभी गुनगुनाने का काम ही नहीं, कभी नहीं गुनगुनाए, और वो एक आध दिन एकांत में बैठा बैठा गुनगुनाए, तो पत्नी भी सोचे आज भेरू के हुआ क्या, ये पलट कैसे गए, आज का गुनगुना रहा है, आखिर बात क्या है, कैसे गुनगुना, क्या हुआ क्या यार, ये चमक ये दमक फुल्लबन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है, आज आज क्यों गुन, प्रसन्नता किस बात की? उसको लगेगा आज कितनी प्रसन्न हो रही होगी प्रहलाद की माता। कितनी बार निकल गया? 8 बार। अब स्वयं कक्ष में सोने गया, पत्नी चरण दबा रही, वो तो उस समय की थी जो चरण दबा रही थी, आज के जमाने के तो गला दबा दे चरण। ये कभी कभी होता है। एक बार हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा थी, तो वहां कथा करने गए थे, हो गए लगभग
आठ दस साल के करीब, मैं दस से भी ऊपर हो गया होगा जब कथा करने गए, तो इधर की बर्थ दो और दो बर्थ इधर की हमारी, और इधर सामने की जो दो बर्थ थी वो एक पति पत्नी की थी। वो अब पत्नी सो रही खिड़की की ओर मुंडा करके और पति उसके चरण दबा लिया। हमने मन में सोचा इसने पूरी विष्णु पुराण पलट दी। अभी तक नारायण सोते थे लक्ष्मी चरण दबाती थी, ये यहां तो ये सो रही ने चरण भेरू। अभी बेचारा ना हंस सकता ना रो सकता, तो केवल स्माइल भी ऐसा दे रहा। अब हम बर्थ पे बैठे थे, अब हमने उसको इशारे में कहा तूने नाक कटा दी चरण दबाना है। वो इशारे में एक हाथ से बोला क्या करूं अब क्या करें। इतने में बात ही चल रही थी, पत्नी जम के दबाना बेचारा फिर दोनों हाथ से लगा। करो सेवा, मना नहीं, पर सेवा भी किस जगह किस प्रभाव से किस भाव से कैसी होना चाहिए वो सेवा कब सेवा कब। मना नहीं सेवा करने में, कोई को तकलीफ है कष्ट है बीमारी है रोग है सेवा कर सकते हो, पर कोई अच्छा ही है जोरदार खा पी के आराम से सो रहा है और पांव दबा सोच, ये सेवा का प्रकल्प नहीं हो सकता। ये सेवा का प्रकल्प नहीं होगा। अब पत्नी प्रहलाद जी की माता पति के चरण दबा रही और दबाते दबाते फिर बोल दिया स्वामी स्वामी स्वामी। बोले बोलो क्या बात है। पर मेरे को आज बड़ी बेचैनी हो रही है। अच्छा क्या हो गया। बस मेरे को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये तुमने वो तोता कैसे मिल गया और उसने आपको बोल भी दिया। देख तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अब नारायण का नाम लिया तो तुझे छोड़ दूंगा। कितने हो गए। नौ। पत्नी सो गई। रात्रि का दूसरा पहर खूब जोरदार नींद लगी और तिमो उठ के चिल्ला दी बचाओ बचाओ बचाओ। जैसी चिल्लाई पति ने कहा नारायण नारायण तो नहीं आ गया। दो बार निकल गए हो गए ग्यारह। पत्नी चैन की नींद सोई, अब जो होगा देखा जाएगा। और दूसरे दिन तो खंबे के पास पहुंच गया और क्योंकि इसमें भगवान तेरा हाँ इसी में बस भगवान तो इंतजार कर रहा था कि मुंह से एक बार तो निकल जाए राम, एक बार तो निकल जाए नारायण, एक बार तो निकल जाए शिव। आज अगर लोग दुनिया के शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं, भगवान भी चाहता है कि तीसरी लहर को रोकना है, जनमानस का कल्याण करना है, तो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का उत्सव कर शंकर का अनुमोदन ये शिव ने बना रखा, शंकर ने कह रखा। उसी तरह हमारी चित्तवृत्ति में भी वो बात समाहित होना चाहिए कि कैसे भी नारायण निकले तो इसका उद्धार तब होगा जब नारायण निकलेगा। खंभे में भगवान हाँ है, गदा का प्रहार करा खंभा टूट के नीचे गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट होगा। अभी इसको विश्वास ही नहीं था कि खंभे में भगवान होगा। जब विश्वास पैदा हुआ कि खंभे में भी भगवान हो सकता है क्या, तब गदा का प्रहार करा। जब तक विश्वास नहीं होता भगवान कभी प्रकट होता ही नहीं है। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो बेटा, मानो तो पत्थर नहीं तो महादेव, मानो तो कंकर नहीं तो शंकर। आपकी चित्तवृत्ति में आप जो मान लोगे कि ये कंकर है तो कंकर और शंकर है तो शंकर, आपकी चित्तवृत्ति में लग जाए कि शिव महापुराण शंकर का ही एक स्वरूप है, जिस शिवलिंग का हम निर्माण कर रहे हैं वो शंकर का स्वरूप है, उसके कंकर कंकर में कण कण में शिव समाया है, तो शंकर मिलेगा उसे, शिव मिलेगा। चित्तवृत्ति से निकला, परमात्मा को पाना सहज बहुत सहज, पर विश्वास रखकर भरोसा ही नहीं हो तो फिर कहां भगवान मिलेगा, कहां परमात्मा। यहां शिव महापुराण की कथा में शंकर की पूजन का विधान है, शिव को यह चढ़ाना, शंकर का ऐसा अनुमोदन करना, ऐसा स्मरण करना। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगे कि यह कहीं टोना तो नहीं, ये टोटका तो नहीं, ना टोना ना टोटका, केवल शंकर का अनुमोदन, और जिसने करा उसको फल मिला।
आज दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम में अगर आकर बोले, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा, ऐसा फल मिला, ऐसा मिला, हमने पशुपति व्रत करा, हमने ये करा, हमने वो करा, ये करा क्या आपने? केवल पूजन, केवल अर्चना। आपने किसी का बुरा करा? व्रत कर आपने पूजन कर किसी का बुरा करा? नहीं। अगर आपके करने से किसी का बुरा हो रहा है तो वो टोना हो सकता है, वो टोटका हो सकता है। पर जिसमें आप अपने लिए कर रहे हो कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, मैं शहद चढ़ाऊंगी, मैं शमी पत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, और शंकर अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये आपके लिए फल का आनंद सुख है। इसको दूसरे के लिए जो बुरा करा जाए वो स्वयं के लिए करो, स्वयं के लिए वो सुख। शिव पुराण कह रहे, शंकर का चरित्र कह रहा, शिव का अनुमोदन कह रहा है। कद्रु की चित्त वृत्ति में थोड़ी सी अंदर जिभ्या पर वीनता के लिए अपशब्द हो गया, वो शब्द गया अपने पुत्र की। अब मन में आया कि गुरुदेव ये बताओ कि सबकी एक एक जीवन होती है, सांप की दो जीवन कैसे? ये भी प्रसंग है महाराज जी। जिस समय पर वीनता देवी दासी बन गई कद्रु की, कद्रु कहते जाओ हमारी पादुका उठा कर लाओ, वो पादुका उठा कर लाती, जाओ हमारे वस्त्र लेकर जाओ धो कर लाइए, वो वस्त्र धोने चली जाती। फिर कहती जाओ ऐसा कर कराओ, वो ऐसा करने 24 घंटे कद्रु वीनता से काम पर काम कराती। एक दिन श्री गरुण जी महाराज अपनी माता को लेने के लिए आए, माँ घर चलो, तुम्हारी याद आ रही है माँ, बहुत दिन हो जाते कमरे में, कक्ष में, आप हमें स्नेह नहीं करती माँ, कभी अपने हस्त कमल हमारे मस्तक पर नहीं रखती माँ, माँ घर चलो, घर चलो। वीनता जाने लगी, कद्रु ने चिल्लाकर आवाज लगाई, ए वीनता तुझे मालूम नहीं है कि अभी मैं विश्राम करूंगी तो मेरे शयन कक्ष की तैयारी तुझे करना है। वीनता ने कहा गरुण बेटा तुम चलो मैं आती हूं। रात्रि भर गरुण जी महाराज अपनी मां वीनता का इंतजार करते रहे, रात्रि भर वरुण और गरुण दोनों इंतजार कर, पर वीनता नहीं आई। कई साल निकल गए साथ, वीनता आती नहीं, रात भर गरुण सोते नहीं, नैनों में नींद आती नहीं। एक दिन मन में आया, पूछा जाए मां से, मां तू रात भर सोती भी है कि नहीं सोती, विश्राम करती है कि नहीं करती मां, तुझे निंद्रा आती कि नहीं आती मां? पूछा वीनता से गरुण जी महाराज ने, मां तू सोती नहीं क्या, विश्राम नहीं करती क्या? वीनता कहती है रात्रि को मैं जब कद्रु का शयन कक्ष तैयार कर देती हूँ, कद्रु जब सोती है मैं उसके चरण दबा देती हूँ, चरणों में तेल लगा देती हूँ, कद्रु की नींद आ जाती है तो कद्रु मुझसे कहकर जाती है कि मेरे कक्ष के बाहर खड़ी रहना, सोना मती, विश्राम मत करना, मैं रात को आकर देखूंगी। सुबह फिर आती है, फिर मुझे काम में लगा देती है, 24 घंटे कद्रु वीनता से काम करवाती है, 24 घंटे। कई साल निकल गए वीनता के, कई साल, कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष, सुख नहीं। एक दिन गरुण जी ने वरुण जी से कहा, वरुण चल मेरे साथ, अपन दोनों चल, दोनों की दोनों चलकर अपन कद्रु से पूछते हैं। माता कद्रु के पास में पहुंचे और माता कद्रु से जाकर निवेदन कहा, मां ए बड़ी मां, बड़ी मां गरुण तुम वरुण को लेकर आए हो, क्या बात है? मां हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप मेरी माता को दास्य भाव से मुक्त कर दो, आप इसको दास्य भाव से मुक्त कर दीजिए, आप दासी के पद से हटा दीजिए, आप दासी के पद से इसको मुक्त कर दो। कद्रु ने कहा दासी के पद से तो मैं मुक्त कर दूंगी, पर शर्त एक है, क्या? मेरे पुत्रों के लिए, मेरे लिए तुम्हें बेकुंठ से अमृत लाना पड़ेगा, अमृत का कलश लेकर आओ। जब तुम बेकुंठ से अमृत का कलश लेकर आओगे और वो अमृत का पान
हम कर लेंगे, तब तुम्हारी माता को दास से भाव से मुक्त कर देंगे। जाओ लेकर आओ। गरुण वरुण दोनों गए सीधे भगवान विष्णु के पास में। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले मेरे भगवान लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं, चरणों को दबा रही हैं। और आज गरुण जी महाराज प्रभु चरणारविंद में इतने रो दिए। आपको पहले कथा में कहा, अगर रोना है तो भगवान के सामने रोना, कुछ कहना है तो परमात्मा से कहना है। जगत के सामने जाकर कहोगे, जगत आपका भाव नहीं जान सकता। कुछ कहने के लिए परमात्मा का होना जरूरी। आज ये खरवन का अगर रघुवंशी परिवार कथा करवा रहा है तो इसके भीतर का भाव क्या है कि सर्व जगत का हित हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण। माता पिता पूर्वज आदि आदि जितने भी पूर्व में रहे हैं, दादा हो दादी हो पूर्वज रहे हो, वो तो तरेंगे ही। अगर आप कथा करवा रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप कथा का स्मरण कर रहे हो, तो वो तो तरना ही है। पर आपके भीतर का सुख भी तो देखिए। गरुण जी खूब रोए साहब। भगवान विष्णु तो विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी माता के नैनों से जल की धार निकल गई, भगवान के चरणों पर पड़ गई। जैसे ही भगवान के चरणों पर लक्ष्मी की अश्रु की धार पड़ी, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, नारायण ने उठते से पूछा, लक्ष्मी ये क्या है आज, क्या क्षीर सागर का जल लहरे उछल कर क्या मेरे चरणों में आ गई है? लक्ष्मी जी कहती है, नहीं, तो फिर ये क्या मेरे पांव पर पड़ा है? लक्ष्मी जी कहती है, ये गरुण के नेत्रों का जल है। तो गरुण तो दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर, ड्राइवर तो बाहर, गाड़ी तो बाहर, फिर तो क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी बोल रही, मैं नहीं रो रही, ये गरुण के नेत्रों का जल है जो मेरे नेत्रों से झलक रहा है। किसी को दुखी देखकर जब आपकी आंखों में जल भर जाए, समझ लेना ये जल आपकी आंख का नहीं, आपके नेत्रों का नहीं। सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारे पास में रोया है, सामने वाला व्यक्ति जिसके नैनों में जल भरा था, ये जल उसका है, ये जल आपका नहीं है, ये जल उसका है। जब सामने वाला व्यक्ति आकर आपके सामने कोई खुशी की बात कर दे, बड़ी प्रसन्नता की बात करे, और आपका दिल भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, समझ लेना ये खुशी आपकी नहीं है, ये उसकी है, उसने आपको दी है, ये उसने प्रदान करी है। अब लक्ष्मी दूर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ये गरुण के नेत्रों का जल है, मैं तो उसको दरवाजे के पास खड़ा देख रही हूं, और वह लगातार रो रहा है, उसकी आंखों से जल बह रहा है, रो रहा है, उसको देखकर मैं रो रही हूं। ओ लक्ष्मी, क्या चाहता है गरुण? बुला उसको। गरुण जी आए, क्या चाहते हो गरुण? वरुण तुम भी साथ में हो? हाँ प्रभु। क्या चाहते हो? बस प्रभु इतनी सी कृपा कर दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए, मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दो। क्या करा जाए कि तेरी माता दास्य भाव से छूट जाए? एक सेठ के यहां अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा है, 40 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग काम कर रहे हो, 25 लोग काम कर रहे हो, सेठ धनपति है तो उसको साथ में मनपति होना भी जरूरी है। मेरे भगवान विष्णु धनपति है तो साथ में मनपति भी है। गरुण को रोते हुए देखा तो कह दिया, क्या कर दूं मैं तेरे लिए, बोल। जिस समय जो आपके यहां 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 40 साल काम कर रहा है, सेठ का फर्ज है कि उसके यहां अगर दुख आया है तो सेठ उस दुख का साथी बने और उस दुख में उसको सहयोग प्रदान करे। उस दुख में वो शामिल हो। उस दुख का वो आनंद, वो जो पल है उसको मिटाने का प्रयास कर। बोल मैं क्या करूं तेरे लिए? बस मेरी माता को दास्य भाव से छुड़ा दीजिए। क्या करना पड़ेगा? अमृत का कलश चाहिए। भगवान विष्णु बोले, गजब की चीज मांगी है। जिस अमृत के कलश के लिए देवता झगड़े, राक्षस झगड़े, असुर झगड़े, गंधर्व नाग सब जिस अमृत कलश के लिए झगड़ा करते रहे, वो अमृत का कलश तुझे चाहिए? हाँ प्रभु।
बस कृपा कर दो, वो अमृत का कलश मुझे दे दो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी अमृत का कलश तुम मेरे को देना है एक बार, और वो अमृत का कलश इसलिए देना है क्योंकि ब्रजमंडल में, ब्रज की भूमि पर जब मैं कृष्ण बन कर जाऊंगा, और उस ब्रजमंडल में जब मैं ब्रज की भूमि पर कृष्ण बन कर जाऊंगा, उस समय पर जब मैं कालिया नाग का मर्दन करूंगा, उसका विष यमुना जी के जल में चारों तरफ रहेगा, जिसका जल पीकर गाय मर जाए। कालिया नाग का विष कितना प्रबल था, सहस्त्र हजारों फण जिसके हैं, जिसका जल पीकर गाय मर जाए, जिसका जल पीकर मनुष्य मर जाए, तो क्या मेरे प्राण नहीं छूटेंगे, मैं भी तो मनुष्य बनकर जा रहा हूं। पर ये अमृत में आज अगर गरुण को दूंगा, और गरुण ये अमृत लेकर जब जाएगा किसी स्थान पर गरुण जी महाराज जब इस अमृत के कलश को रखेंगे, अमृत के कलश को जब गरुण जी महाराज रखेंगे, और अमृत का कलश जमा रखा रहेगा, उसकी एकाध बूंद नीचे गिरेगी तो उसका सुख मुझे भी तो मिलेगा। तो भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी तुम लेकर जाओ, अमृत का कलश मना नहीं है, पर कहाँ लेकर जाओगे, और ले जाते तुम इस अमृत के कलश को थक गए तो गरुण जी ने कहा, प्रभु आप बताओ क्या करना है। भगवान ने कह दिया, ले जाते एक काम करना, ब्रजमंडल में यमुना जी के घाट पर इस अमृत के कलश को पहला विश्राम देना, ठीक है। दूसरा विश्राम, अमृत के कलश को कद्रू के हाथ में मत देना, अमृत के कलश को भूमि पर रखना, ठीक है। हाथ में नहीं देना, बस भूमि पर रख देना। बाकी के तूने तो एक बार कह दिया ना कि कद्रू से कह देना, बड़ी मां ये अमृत का कलश ला दिया, अब ये तुम्हारा हो गया, तुम इसका प्रयोग करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ले। अब माता को एक बार दे देना ये, और तेरी माता को दास भाव से छुड़ा लेना, बाकी की लीला मैं कर दूंगा। गरुण जी को नहीं मालूम था कि कैसी लीला करेंगे नारायण। अब भगवान ने दोनों लीला बड़ी विचित्र करी है। गरुण जी महाराज अमृत के कलश को जब लेकर गए, ले जाकर यमुना के घाट पर रख दिया, फिर अमृत का कलश ले गए, उस अमृत के कलश को ले जाकर कद्रू से कहा, बड़ी माँ ये अमृत लाकर दे दिया है, ये रखा। माता ने उसका स्पर्श भी कर लिया, देख भी लिया, कलश को रख भी दिया। माता ने क्या चतुरता करी कि इस कलश को कोई दूसरा ना ले जाए, तो कुसा का जो आसन होता है, उस कुसा से, उस डाब से, कुसा से उसको ढक दिया, और कुसा से ढका। इतने में इंद्र दौड़ता हुए आए ऐरावत पर, और उन्होंने देखा अमृत का कलश रखा है, और बीनता देवी दास्य भाव से छूट चुकी है, बीनता लेकर गरुण जी चल दिए हैं। उसी समय पर इंद्र ने आकर उस अमृत के कलश को उठाकर ले जाने लगे। इतने में जैसे ही अमृत का कलश जाने लगा, जाते ही उसी समय पर कद्रू को क्रोध आया, और कद्रू छीनने लगी, छीनते हुए अमृत भूमि पर गिरा। एक बूंद झलक गई, देखा इंद्र ने कि बूंद झलकी है, तुरंत इंद्र ने ऐरावत से कहा, जलवृष्टि कर दे, और जो जलवृष्टि करी, जलवृष्टि करते ही जितना कुसा पर, जितना डाब पर वो अमृत का भाग गिरा था, सब भूमि ने ग्रहण कर लिया, भूमि ने अमृत इंद्र ले गए देवलोक में वापिस रख दिया। कद्रू आई, कद्रू ने अपने पुत्रों को आते हुए देखा, 1000 सांप सब आ गए। पुत्रों ने कहा, मां अमृत कहाँ है। माता ने कहा, यहीं रखा, तब इंद्र चुरा कर ले गया, पर थोड़ा सा गिर गया है, तुम लोग चाट लो। और सांप ने अपनी एक जिभ्या से जैसे ही कुसा को चाटना चालू करा, उस कुसा के तेज बार से सांपों की जीवान बीच में से कटती चली गई। कितनी जिभ्या हो गई, सर्प की 2 जिभ्या। उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के ऊपर नागपंचमी के दिन
ना चंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है, अटखेलियां करता है। दो जिव्या होती, इसमें दोष किसका है? माता का। जो शब्दों का संबोधन कहा गया है, जो शब्द बोले गए हैं, कहे गए हैं, वो वापिस एक जिभ्या से नहीं, दो जिभ्या से आ रहे हैं। आप किसी को कुछ देते हो, वह अधिक बढ़कर ही मिलता है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो बढ़कर मिलेगा। वो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में जब चोट लगी, अपना चीर फाड़ा, उसको हाथ पे लपेटा, भगवान उस चीर को लेकर गए रुक्मणी को दिया। रुक्मणी ने पूछा इसका क्या करूं, इसमें रक्त लग रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसका एक एक धागा निकाल के गिन। रुक्मणी बोली फालतू में ही मिली, जो इस चीर का धागा निकाल के गिनूंगी। रुक्मणी ने सतभामा से कहा तुम गिनो, सतभामा ने जामवंती से कहा तुम गिनो, कालंदी से कहा तुम गिनो, कोई गिनने को तैयार नहीं, सारी की सारी एक साथ बैठ गई। भगवान ने कहा गिन लिया क्या? नहीं, भगवान के सब मिलकर गिनो, सारी एक साथ बैठी हो रही है। क्या धागा गिनने पड़ी? 9999 धागे थे। भगवान से रुक्मणी जी ने कहा क्या करोगे इसको गिनवा के? फालतू का माथा पच्ची करो, तो बताओ इतना धागा गिनवा दिया तुमने, अब करोगे क्या? भगवान बोले उस द्रौपदी ने दिया है, दुनिया के लोगों को लगा चीर दिया है, और 9999 जब दुशासन ने चीर खींचा, भगवान ने तुरंत रुक्मणी से कहा कितनी साड़ी धरी तेरे पास, जल्दी निकाल के ला, अलमारियां खाली करो, जल्दी लाओ। तो इतना बड़ा पोटला बांध के कहां ले जाओगे? भगवान रुक्मणी जी पूछी सतमामा जामंती काले, इतनी साड़ियां लेकर कहां जाओगे? भगवान बोले याद कर क्या द्रौपदी ने मेरे हाथ में एक चीर बांधा था, उसमें कितने धागे थे? कि 9999। आज द्रौपदी को लौटाने का समय आ गया। तो रुक्मणी जी बोली उन्हें तो इतना सा बांधा था, तो बांधा भले इतना सा था, धागा तो ज्यादा था। धागा ज्यादा है कि नहीं? धागा ज्यादा था। पहले पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ना, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि। तो माताएं क्या करती थी, जो हाथ में कलेवा बांधते हैं ना, नाड़ा माउली, उसको काट के रखती थी थाली के अंदर, अच्छा मोटा मोटा धागा रंगीन, उसको काट के रखती थी। जैसे ही पंडित जी ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, इसने उठाया वस्त्र चढ़ा दिया। भगवान भी गिनते थे, इतना मोटा कलेवा होता था उंगली के बराबर का, उसमें तो भगवान गिनते थे कितने धागे, इतने धागे इसने मुझे दिए हैं, इतनी साड़ी इसको वापस लौटाना। तो ये जब मायका जाती तो साड़ी मिल जाती, मौसी सास के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, मामा जी के यहाँ जाए तो साड़ी मिल जाए, रिसेप्शन में जाए तो साड़ी मिल जाए, वहाँ जाए तो ये मिल जाए, इसको खूब साड़ी मिलती थी। जब से इसने वो गिट्टी लिया ही धागा की, पीली और लाल वाली, आजकल क्या चलती है वो मोली मोटा वाला कोई नहीं चढ़ा क्योंकि टूटे ही नहीं, तो इन धागा की गिट्टियां ना, दो धागा की पीला और लाल वाली ऐसी बनी बनी है, उसको तोड़ तोड़ के वस्त्रम समर्पयामि। भगवान ने मन में सोचा तूने दो धागा चढ़ाया, एक मायके से एक ससुराल से, जा तुम्हें दो चढ़ाया दो मिलेगा, ज्यादा चढ़ाती तो ज्यादा मिलता। अब मोटा वाला का लच्छा चढ़ाती, नाड़ा चढ़ाती, मौली चढ़ाती, तो भगवान भी गिन के देता 25-30 तो धागे उसमें पारिवारिक, तुम भी घर जाके गिनना, मोटा वाला जो लच्छी होती ना उसका एक एक धागा निकाल के गिनना, कम से कम 20-25 धागा तो होगा उसमें पतला पतला, तो उतना भगवान भी देता था। अब आज के जमाने में तो गिट्टी आए, जैसी पंडित जी बोले वस्त्रम समर्पयामि, ने तोड़ा चढ़ाया, भगवान ने गिना कितना, तो एक लाल एक ने पीला, तो एक मायका की एक ससुराल की, जा भगवान भी बोलते थे उतना ही मिलेगा जितना दिया। अब सीधी बात है साहब, टिकट करवाया स्लीपर का, बैठ गए एसी में, और उसे टीसी से कह रहा है फालतू की बात करना मत, तुम हमें पहचानते नहीं। तो टीसी बोला पहचानने से क्या मतलब है, टिकट तो तुम्हारे पास में स्लीपर का, बैठे एसी में, तो क्या हुआ? ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो है पर बोगी अलग अलग है, तो क्या हुआ? यहाँ का आदमी के वहां बैठ देना। अब वो मानेगा क्या? नहीं,
जैसा तुमने करवाया है वैसा तुम्हें फल की प्राप्ति, अर्थात तुमने जैसा टिकट करवाया वैसा बैठने को मिलेगा, जैसा तुमने दान करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने पुण्य करा वैसा तुम्हें मिलेगा, जैसा तुमने सत्कर्म करा वैसा प्राप्त होगा, जैसा तुमने भजन करा वैसा मिलेगा, जैसा तुमने कपट करा वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी पर छल प्रपंच करते हो वैसा ही तुम्हें प्राप्त हो, वैसा ही मिलना। करेले का बीज लगा रहे और क्या कहीं में केरी हो जाए, भगवान भी सोचे हो करेला लगाया है तो केरी कहां से आएगी, करेला करेला ही रहेगा, केरी नहीं हो सकती, मिले कैसे, प्राप्त कैसे हो। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं सर्प की दो जिभ्या हो गई, सर्प की दो जिभ्या। अब कद्रू को तो क्रोध बहुत आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि देवताओं ने हमारे साथ छल कर दिया। ये अमृत का कलश जो दिया था कद्रू को, ले जाकर रखा था जहां एक स्थान यमुना जी के घाट पर, जब भगवान कालिया नाग का मर्दन करने के लिए कूदेंगे यमुना के जल में, तब भगवान को अमरतत्व कौन प्रदान करेगा। तो भगवान, आप कभी श्रीमद् भागवत कथा अगर सुने होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा, सुना होगा कि यमुना जी के तट पर जितने भी हरे भरे वृक्ष होते थे, कालिया नाग के विष के कारण यमुना जब दूषित होती थी तो उसके तपन से आसपास के वृक्ष सूख जाते थे। यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष लगते थे सारे सूख जाते थे। कालिया नाग का विष इतना प्रबल था कि वो सारे वृक्ष सूख गए, सारे वृक्ष सूख जाएं, पर एक वृक्ष ऐसा था जिस पर भगवान कृष्ण चढ़े थे और चढ़कर यमुना जी में कूदे थे, वो कदम का वृक्ष, वो एक कदम का वृक्ष यमुना के घाट पर हरा भरा दिख रहा था, बिल्कुल हरा भरा। तो कृष्ण ने अपने मित्रों से पूछा कि सारे वृक्ष सूखे, ये वृक्ष हरा क्यों है, ये वृक्ष इतना हरा भरा कैसे, क्या कारण है, कैसे है ये, किस लिए, जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर कूदे थे वो वृक्ष हरा भरा, सारे सूख गए एक हरा भरा। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है, सब सूख जाएंगे पर तुम अगर शिव का गुणगान गा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो यह विश्वास रखना कि तुम तो हरे भरे रहोगे ही। वो सूख नहीं सकता, वो नहीं सूख सकता। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कृपा करो, कृपा करो, दया करो, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। जिसको भगवान रखा है, देखिए पूरे यमुना जी के घाट पर सारे वृक्ष सूख गए, एक कदम का वृक्ष जिस पर भगवान कृष्ण चढ़कर यमुना जी में कूदे वो वृक्ष हरा भरा। किस कारण से, क्योंकि जब ये अमृत का कलश आया था यमुना जी के घाट पर रखा था, उसकी एक बूंद उस कदम के पेड़ के नीचे पड़ गई थी जिससे सारे वृक्ष सूख गए, पर वो कदम का वृक्ष नहीं सूखा, वो हरा भरा बना। वही अमृत की बूंद है शिव महापुराण की कथा। संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, संसार सागर में अपन सब वृक्ष हैं, पर संसार सागर के सारे वृक्ष सूख सकते हैं, पर शिव की अमृत का अगर एक बूंद मिल गया, शिव महापुराण की एक अमृत बूंद हमको मिल गई, तो फिर आप सूख नहीं सकते। बाबा आपको साथ कर रखेगा। कितना सुंदर कहा है, दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, मेरा भोलेनाथ जलवा बरकरार रखता है। भले दुनिया के लोग जलन बरकरार रखें, दुनिया के लोग कितनी भी जलन बरकरार रखें, पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा विश्वनाथ, मेरा कालों का काल महाकाल जलवा बरकरार रखेगा। अगर आप शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर की भक्ति में डूबे हो, तो
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का अनुमोदन लगा, शिव का स्मरण करो, क्या जाए अमृत की बूंद एक कदम के पेड़ के नीचे गिर गई, वो कदम का पेड़ हरा भरा रहा। शिव महापुराण की एक बूंद, शंकर की कृपा की एक बूंद अगर इस मन के अंदर गिर जाए, इस जीव के भीतर उतर जाए, तो बताओ फिर ये जीव भटकेगा क्या? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, कौन होता संसार में? अगर शिव ना होता, करुणा सागर शंकर ना होता तो कौन होता? ऐसी शिव की पावन कथा